नर और नारायण कितने शक्तिशाली थे। मित्रों, रामायण और महाभारत में आपने जितने तरह के अस्त्र और शस्त्र के नाम सुने हैं, उन सब में नारायण अस्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है। इसका निर्माण करने वाले भगवान श्रीहरि के अवतार स्वयं नारायण है। कहा जाता है कि ये अस्त्र भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा घातक है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नर और नारायण कौन थे, वो कितने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ऐसे अस्त्र का निर्माण किया। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अस्त्र और शस्त्र के बीच के अंतर के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग इसे एक ही मानते हैं, लेकिन मंत्रों के द्वारा शत्रु के ऊपर जो भी हथियार छोड़े जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो या फिर सुदर्शन चक्र या कुछ और, वो सभी अस्त्र होते हैं, जबकि तलवार और तीर धनुष ये सब शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण का अवतार है। ये दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के अंदर भगवान विष्णु की आत्मा थी। इनके साथ दो शरीर हैं और एक जान वाली स्थिति थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी रुचि ने भगवान विष्णु के अवतार लेने की प्रार्थना की, तब नर और नारायण नाम के दो दिव्य पुरुष उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। जन्म लेने के साथ ही दोनों बालक जंगलों में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने जहाँ रहकर हजारों वर्ष की तपस्या की, वो जगह उत्तराखंड का बद्रिकाश्रम है, जहाँ बद्रीनाथ मंदिर भी है। वहाँ से उन्होंने केदारनाथ में आकर शिवलिंग की भी स्थापना की। बाद में पांडवों ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया। कई हजार वर्षों की जब इन्होंने कठोर तपस्या की, तो इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने कामदेव को भेजा, लेकिन उनके लाख प्रयास के बावजूद भी इनका ध्यान नहीं टूटा। तब कामदेव भय से कांपने लगे। उसके बाद नर और नारायण ने कहा कि हे कामदेव, तुम्हें मैं कोई श्राप नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंद्र ने भेजा है। ये सुनकर कामदेव उनके गुणों का बखान करने लगे। तभी नर और नारायण ने अपनी शक्ति से कई दिव्य स्त्रियों की रचना की और कामदेव को कहा कि इनमें से जो भी स्त्री तुम्हें पसंद हो, उन्हें साथ ले जा सकते हो, ये स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाएंगे। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी नर नारायण की रचना ही थी, उसे लेकर कामदेव स्वर्ग लोग चले गए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हुई कि दोनों भाइयों को दंबोद्धव नाम के असुर से युद्ध करना पड़ा। उसे सूर्य देव ने हजार कवच का वरदान दिया था और ये भी कहा था कि जो भी तुम्हारा एक भी कवच तोड़ेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सबसे पहले नर उससे युद्ध करने के लिए पहुंचे और नारायण तपस्या में लीन थे। लंबे समय तक युद्ध चला और जैसे ही उसका एक कवच टूटा, नर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी नारायण तपस्या से उठकर आए और कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें जीवित कर दिया। उसके बाद नर तपस्या के लिए गए और नारायण युद्ध करने लगे। ऐसा हजार सालों तक चलता रहा। आखिर में वो असुर भागकर सूर्यदेव के पास गया। जहां सूर्यदेव ने इसकी रक्षा की, तो नर नारायण क्रोधित हो उठे और कहा कि आपको भी इसके पाप का फल भोगना पड़ेगा। कहते हैं महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण के अंदर दंबोद्धव की आत्मा थी और श्री कृष्ण अर्जुन की जोड़ी नर नारायण की जोड़ी थी। इतने शक्तिशाली नर नारायण का एक बार स्वयं महादेव से सामना हुआ। कई शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि दक्ष ने अपमान किया तो भगवान शिव के दूतों ने वहां तबाही मचा दी और बाद में भगवान शिव गए। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल चलाया, वो तपस्या में बैठे नर की छाती में जा लगा। इसके बाद दोनों भाई क्रोधित होकर युद्ध के लिए पहुंच गए। इसी युद्ध के दौरान उन्होंने ऐसा नारायण अस्त्र बनाया जिसके अंदर त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र तक की शक्ति समाहित थी। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। आखिर में ब्रह्मा जी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हे महादेव, आप तो सर्वज्ञानी हैं। नर नारायण ने हजारों वर्ष की तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त की है, उन्हें कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महादेव ने युद्ध बंद कर दिया। ऐसे महान शक्तिशाली नर और नारायण की शक्ति का अंदाजा भला हम और आप कैसे लगा सकते हैं, जो स्वयं तीनों लोगों का संहार करने वाले भगवान शिव के सामने कई वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे, उनके हर वार को बेअसर करते रहे। उनकी शक्ति अपरंपार है। सभी संत महात्मा और ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं कि श्रीमन नारायण का जाप करो, मौत के वक्त अगर व्यक्ति की जिह्वा पर नर और नारायण का नाम आ जाए, तो उसे सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अजामिल की कथा तो आप सबने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से दुष्ट प्रवृत्ति का, वो लूटपाट करता और गलत कार्यों में संलिप्त रहता। एक वैश्या से जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसके बेटे का नाम नारायण रखा।
जब उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा और इस वजह से उसे नरक का पाप नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि मरते वक्त पापी से पापी मनुष्य भी अगर श्री हरि नारायण का नाम ले तो उसे यमदूत घसीटते हुए नहीं ले जाते, बल्कि उसके लिए भगवान पुष्पक विमान भेजते हैं। इसीलिए नर और नारायण की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि नर और नारायण कितने शक्तिशाली थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब मुझे दे इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और ज्ञान वर्धक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स। धन्यवाद।